हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मयंक प्रकाश, आज बेहतरीन और एकदम आपका टाइम बचा के और बेहतरीन शानदार कंटेंट लेके आ रहा हूँ, और जो कि इसमें मेरा सिर्फ योगदान रहेगा इसको व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन तो बेहतरीन है, पूरा प्रीवियस ईयर है और बेहतरीन क्वेश्चन संकलन। देखिए यहाँ पे जैसे आपका जीव विज्ञान का हम लोग लेके आए हैं सेशन, एकदम इंटरेस्टेड, क्योंकि जीव विज्ञान से हम लोग तो पूरा हमारे बॉडी में ही जीव विज्ञान है। ठीक है, तो ये वाला जीव विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब पूरा टॉपिक हम लोग सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख लीजिए पूरा ये आपको पढ़ना है, पूरा हम पढ़ाएंगे एकदम शानदार तरीके से। ये अवतल एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पूरा टेस्ट पेपर हम लोग पहले चलेंगे। ठीक है, टेस्ट पेपर पहले ये देख लीजिए। ठीक है, जीव विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे कर विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रिबनेस ने 1821 में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग पूरा ध्यान दिए हुए रहेगा, इसी से हम 50 क्वेश्चन निकाल के और आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग कंसंट्रेट हो। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अस्तु को। ठीक है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। भारत में चिकित्सा के जनक चरक। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमल एनिमलिज्म। अरस्तु की किसने किया? अरस्तु का भी एनिमल मूवी भी फेमस है। ठीक है, आप लोग जाके देख लीजिए क्या होता है, क्या है एनिमल्स मूवी में। हिस्टोरिया प्लांटेनम पुस्तक है थियोफ्रेस्टस के। ठीक है दोस्तों, अब ये पूरा आपको याद हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकरण का पिता कहलाता कैरोलस लिनियस को। जीवों के नामकरण के दुई नाम पद्धति को प्रचलित है, कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में किया था। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया किसने? रॉबर्ट एच विटिकर ने 1969 ईस्वी में। ठीक है, ये देख लीजिएगा, विटिकर कब? रॉबर्ट, पांच जगत। ठीक है, पांच जगत 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और 1969 में पांच जगत वर्गीकरण, यानी महात्मा गांधी भी पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के समय में थे। ठीक है, उसमें भी समस्त 23 से याद कर लिया 1869 से, अगर जो वर्गीकरण की बात आएगा तो 1969। समस्त जीवों का पांच जगत वर्गीकरण है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। ठीक है, मोनेरा जगत के सदस्य हैं जीवाणु, नीलहरी, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, तो किसके? प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है दोस्तों, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। कौन सा है? प्रोटिस्टा जगत के शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। ठीक है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवाणु, अब देखें दोस्तों यहाँ पे आ गया जीवाणु, इसको क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया इंग्लिश में कहते हैं जीवाणु। जीवाणु की खोज किसने किया था? लियोनहक ने 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का पिता किया जाता, जो खोज किया वाकई में वही पिता होगा। ठीक है, आप भी किसी को खोज कीजिएगा तो आप भी पिता कहलाइएगा। ठीक है, जीवाणु का नाम दिया गया है हेरन बर्ग ने 1829 ईस्वी में। जैसा कि एक खोज कोई और करता है, नाम कोई और देता है।
ठीक है, कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव क्या है, जीवाणु है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोमियम। ठीक है, राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो राइजोमियम के। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी के खोज जोसेफ लिस्टर। जीवाणुओं के कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने ही कृत्रिम संवर्धन के खोज किया था। ठीक है, जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S 70S। ठीक है, कितना 70S पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव। क्या होता है प्रोटोजोआ? एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग गोल्ड फर्श ने किया था। गोल्ड फर्श ने प्रोटोजोआ का प्रयोग। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ के जंतु है अमीबा युगलीना। क्या है? अमीबा युगलीना। ठीक है, प्लाज्मोडियम एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। युगलीना क्या कहलाता है? हरा प्रोटोजोआ। ठीक है, यहाँ पे पूरा आप लोग ध्यान दे दीजिए, आप याद करते रहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, आप लोग का इम्पोर्टेंट टाइम है। विषाणु वायरस। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है? वायरस। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है विषाणु। संसार का सूक्ष्मतम जीव कौन होता है? विषाणु। विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। विषाणु की खोज इवानोस्की 1892 में। असाधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन से तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए से। ठीक है, आरएनए के फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आप लोग स्पेलिंग सही करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, विषाणु का आकार क्या होता है? 0.15 से 0.2 माइक्रोन। ठीक है, रासायनिक रूप से विषाणु क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन होता है रासायनिक रूप से जीवाणु विषाणु सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका विज्ञान हो गया दोस्तों, कोशिका विज्ञान। ठीक है, सेल साइंस साइटोलॉजी। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में किया था। जीवित कोशिका की खोज लिवेन होक ने किया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838-39 में। ठीक है, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। ठीक है, ये सब आपको थ्योरी जब अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, और सारा कुछ, तो इसमें आपको डिटेल बताएंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन की तरफ चले। केंद्रक एवं केंद्रकीय नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी केंद्रक और केंद्रकीय जिसे में नहीं पाया जाता है उसको क्या करेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक एवं केंद्रकीय केंद्रिका उपस्थित होते हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु के। ठीक है, ये सब आपको एक बार में याद भी नहीं होगा, इसलिए आपको बार बार देखना पड़ेगा बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पूरे तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, मानव शरीर के सबसे लंबा कोशिका कौन है? न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। ये जो पूरा है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है? सेरिबेलम की, मिनरल सेल की। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। ठीक है, ओभम। ठीक है, ओभम सबसे बड़ी। जीवन के भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य का नामकरण कौन का? पुरकिंजे ने 1839 में। ठीक है, अब देखते हैं अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, जीव द्रव्य के जीवन भौतिक आधार है किसका कथन है? हेक्सले का। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था सुलज ने। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति, यानी बाहरी आवरण क्या कहे? भित्ति लेयर ही।
ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में, ठीक है, केवल पादप पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में, ठीक है। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। क्या करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली दोनों से बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से, ठीक है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन VBI, सबसे VBI इससे एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत सारे आदमी का स्पेलिंग गलती हो, बिना देखे हुए ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लेकिन ईमानदारी से, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका, ठीक है। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, वेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणु में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित हो रहती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी की इकाई होती है ऊर्जा की। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी, क्रिस्टी दिल कहलाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का दिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग को एकदम जांच पड़ताल सॉलिड होगा, तो आप लोग तैयार हो जाइए, आप कितना ध्यान दिए होंगे, ठीक है, यही आपका परीक्षा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लेते हैं, आप देखिए यहाँ पे चालू टेस्ट पेपर वन, स्पीडी टेस्ट पेपर वन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ठीक है, अल्टमैन ने, ठीक है, डुजार्डिन, ये सब तो क्या हो गए, जिसको पुरकिंजे ने नाम दिया था, ठीक है, जीव द्रव्य के। प्रोटोजोआ संघ के जंतु है अमीबा, युगलीना, प्लाज्मोडियम, उपरोक्त सभी है, ठीक है। दो का डी। जीव जगत एवं जंतु विज्ञान के क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान के जनक कौन सा है? ठीक है, ये अरस्तु है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? ठीक है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका किस में पाई जाती है? तो आपको पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, उपयुक्त सभी, ठीक है। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में किसने किया था? लिवेनहॉक ने। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, ठीक है, ये देख लीजिए, कुछ छोटा तो नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप चलते हैं, संसार का सबसे सुस्तम जीव कौन सा है? तो संसार का सबसे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए संसार का सबसे सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ठीक है, तो दोस्तों ये किसकी बनी होती है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में करिएगा। फॉस्फोफोलियो प्रोटीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा दिक्कत आ रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। यूकैरियोटिक सेल में कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो हम लोग बताए थे प्रोटीन और लिपिड दोनों से, ए और बी दोनों। सेलुलोज भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज किसकी सेलों में पाई जाती है? तो आपको किसकी सेलों में पाया जाता है? तो सेलुलोज पौधों में होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन सा है? तो थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कोशिका का श्वसन केंद्र कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का धन क्या कहलाता है? अब ये आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहलाता है कोशिका का अंधन? आप लोगों को पहले भी बताए हैं, ठीक है। कोशिका का अंधन क्या कहलाता है? कोशिका का अंधन साइटोलॉजी। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये हो जाएगा आपको, जैव विकास को किसने सर्वप्रथम समझाया? तो ये आपको लमार्क ने सर्वप्रथम समझाया। जीवधारियों के वर्गीकरण को अध्ययन को क्या कहलाता है? जीवधारियों को वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी। क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी, ठीक है दोस्तों। अब आपका जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लमार्क तथा ट्रेविनस ने, जीव विज्ञान का, ठीक है। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? आप लोग जरूर सोच, थोड़ा दिमाग को जोड़ दीजिए, कौन सा जीव, ठीक है, मोनेरा जगत में शामिल नहीं? तो कवक शामिल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप यहाँ पे देख लीजिए। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु, विषाणु इनमें से कोई में नहीं, न प्रोटिस्टा में आता, न मोनेरा में आता, न प्रोटोजोआ में आता, यानी अनेरा है विषाणु, ठीक है दोस्तों। विषाणु क्या है? सबसे छोटा भी माना जाता है। पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? अभी हम बताए थे पांच जगत कब हुआ था, 1969 ईस्वी में। तुलना क्या चीज से किया था? महात्मा गांधी से, 1869 ईस्वी से, ठीक है। तो पांच जगत वर्गीकरण, ठीक है, तो ये किसने किया था पांच जगत वर्गीकरण में? तो ये आपको विटिकर, विटिकर ने किया था। कोशिका का ऊर्जा घर क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को, मैं इसको क्लीन कर देते हैं, आप लोग क्वेश्चन पूरा देखिए। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा, ठीक है। तो ये वॉन मॉल, हेक्सले, लमार्क, डार्विन, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? हेक्सले ने कहा किस जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? स्लाइडेन वन स्वान ने। किसने प्रतिपादित किया? स्लाइडेन वन स्वान ने, ठीक है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? शुक्राणु, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्पर्म। क्या बोलते हैं? अस्पर्म, लेकिन छोटी है सब, लेकिन बड़ा बड़ा कांड कर देता है, अभी बिहार में चल रहा है। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, इसका विवाद ही चल रहा है। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो इस शरीर में अंडाणु, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका जो कि फीमेल में होता है अंडाणु, हम लोग में शुक्राणु। देख लीजिए दोस्तों, छोटी कोशिका यही अंडाणु, अंडाणु का निर्माण करता है वो, इसी के सहारे, ठीक है। तो छोटी चीज बड़ा चीज बनाता है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विषाणु क्या है? क्या है विषाणु? यह है अकोशिका। कोशिका के केंद्र का विभाजन कहलाता है दोस्तों, इसको हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह बिहेव करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जिका, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं नहीं सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के, इसका भी आंसर थोड़ा सही कर लीजिएगा। देखिए, कोशिका केंद्र का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कोशिका के अंदर कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बिहेव करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट था, पढ़ाई भी थे, जो पढ़ाई उसी से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग मेरे पढ़ाई को हल्का में ना ले, तो हल्का हो जाएगा। एटीपी निर्माण का क्या निर्माण होता है? तो लाइसोसोम में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि
एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसको क्या कहता है, पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसको ऊर्जा यानी ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ऊर्जा घर। एटीपी किसकी इकाई होती है, जब एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जब होता है तो एटीपी में ऊर्जा होता है, तो ऊर्जा का इकाई क्या होगा, एटीपी होगा। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, लिनियस। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70S, 70S। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था, तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया, तो रॉबर्ट कोच ने किया, रॉबर्ट कोच ने किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति आप लोग बताइए सेलुलोज की, काइटिन की, म्यूरेन की, तो आप लोग जल्द से जल्द बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सेलुलोज की। क्रेब चक्र होता है, तो ये किस पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप कोशिका को बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति, या कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो आप लोग देख रहे हैं कितना रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग सारा क्वेश्चन पर एकदम बारीकी नजर बनाए रखें दोस्तों। पादप कोशिका को बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति, ये तो बता दिए। हरा प्रोटोजोआ के रूप में जाना जाता है, हरा प्रोटोजोआ एगुलिना लीना लीना। ठीक है, एगुलिना पर तो दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक तरीके से आप लोग को समाप्त कर दिया। बस ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे और हम आपको पूरा स्पीडी का समाप्त करेंगे, इसका सामान्य अध्ययन भी, सारे जो भी आप बोलिएगा उसका समाप्त किया जाएगा। ठीक है, आप लोग बुक करना बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, धन्यवाद, शुभ रात्रि, बहुत ठंड है, बच के रहिएगा, जय हिंद।